कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें इनू जिम्मेवारी दिती और आज केजरीवाल ने जिन्हों इनू आके ज्वाइन कराया उते पूरी मोर लाती और सच करता कि इन्हों का मकसद सिर्फ से सिर्फ पॉलिटिक्स ही और कुछ नहीं सी। लोगों नू गुमराह करन वास्ते, लोगों नाल धोखा करन वास्ते, लोगों के पंजाब के गुरु नानक नाम लेवा देश दुनिया च बैठी गुरु नानक नाम लेवा संगत की भावना से खिलवाड़ करन वास्ते इस ते परचा दर्ज होवे, इहदा नारको अनैलिसिस टेस्ट भी करो। हर बारी धोखा धड़ी फ्रॉड किया सिर्फ ते सिर्फ अपने फायदे लिए, अपने पोलिटिकल फ्यूचर नू प्रोग्राम नू अगे लिजाउण वास्ते। हेर फेर करके कहिंदे जी एक जगह कहिंदे जी साडा चेहरा सिख चेहरा होगा अगला। इन्हां नू इह तां पुछो कि थोड़ा पांच किन्नी दो सरकार तीजी बन गई थोड़ी दिल्ली च, कुछ दिन पहला रे एक फेर बनी तो दूजी हाले तक एक सिख चेहरा तो तुम दिल्ली च नहीं लिया। वड्डी गल वेखो कि इहदे च जिहड़ी जज साहब ने गल कही सी उस ते सिद्धी मोर लग गई कि पुलिस रिलिजन पुलिस पोलिटिकल नैक्सिस अज सामने वेखण नू आ गया। आ सारी रिपोर्ट च एक बारी नहीं, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने अनेक बारी ये गल करती कि ये कोई पारदर्शनी इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये कोई सच्चाई नहीं, ये केवल तो केवल एक आपदे पोलिटिकल फायदे वास्ते सारी शरारत रची जा रही। और अज वो सारिया गल्ला कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें इनू जिम्मेवारी दिती और अज केजरीवाल ने जिन्हों इनू आके ज्वाइन कराया उते पूरी मोर लाती और सच करता कि इन्हों का मकसद सिर्फ तो सिर्फ पॉलिटिक्स सी और कुछ नहीं सी। अज बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि जो लोग कहिंदे सी वह भी सच हो गई, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा वह भी सच हो गई और जो ऑपोजिशन पार्टियां कहिंदियां सन कि इहदे ते सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और पॉलिटिक्स एस आई टी भी कर रही है उहदा एक मैंबर, अज वह भी सच हो गई। नहीं तो एक वार्निंग नहीं, अनेक वार्निंग आईया सी। एस आई टी बनी, प्रबोध कुमार जी उहदे हैड सी, चार मैंबर होर सी, चारा ने लिख के देता सी कि यह बंदा कुंवर विजय प्रताप जेड़े इस लाइन ते चलिया असी उहदे नाल नहीं सहमत। क्यों उन्होंने गल की? बिकॉज वो प्रोफेसनल लोग सी, उन्होंने अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी समझी, प्रोफेसनल एथिक्स नू समझिया, प्रोफेसनल गल की, उन्हों का कोई पोलिटिकल अंबिशन नहीं सी। अज उन्हां च क्यों नहीं कोई पॉलिटिक्स गया? क्योंकि उन्हां दी मनशा साफ सी, सोच पॉलिटिक्स नहीं सी, सोच इक्को सी कि सच सामने लियाउणा, सच्चाई सामने रखनी। मगर एक आदमी का सिर्फ तो सिर्फ पोलिटिकल एजेंडा रह गया सी। और वड्डी गल एक एस आई टी दे जिहदे ये कुंवर विजय प्रताप पहला भी मैंबर रहे हैं, इन्हां ने वो डी जी पी के खिलाफ सी दिनकर गुप्ता ते सारिया के खिलाफ, उहदे च लिख के दिता कि जेस कमेटी च प्रबोध बान चट्टोपाध्याय ते ये मैंबर सी, उहदे च लिख के दिता कोर्ट च कि मैं आपदे आप नू जिहड़ी साडी तिन्नां दे साइन होया उस नू रिपोर्ट मन्नियो, जिहड़ी चट्टोपाध्याय कल्ली दिंदा उहनू रिपोर्ट ना मन्नियो। मैं पुछदा चाहुंदा जिहड़ी हाई कोर्ट दे जज साहब ने भी पुछी गल कि उह भी मोहर लग गई कि जिस बंदे ने हाई कोर्ट च अज तो छे महीने पहले गल लिख के दित्ती सी कि उहनू पता नहीं सी कि जद मैं कल्ली रिपोर्ट दूंगा इहदा की निकलूगा। हर बारी धोखा धड़ी फ्रॉड किया सिर्फ ते सिर्फ अपने फायदे लिए, अपने पोलिटिकल फ्यूचर नू प्रोग्राम नू अगे लिजाउण वास्ते। और बड़े अफसोस की गल है कि यह सारी चीज़ ते मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजिशन। मैं समझदा कि अज लोकां दी डिमांड है, साडी डिमांड है कि इस अफसर के खिलाफ लोगों गुमराह करन वास्ते, लोगों धोखा करन वास्ते,
लोगों के पंजाब के गुरु नानक नाम लेवा देश दुनिया च बैठी गुरु नानक नाम लेवा संगत की भावना के खिलवाड़ करने इस पर परचा दर्ज होवे। इहदा नारको अनैलिसिस टैसट भी करो कि सच्चाई सामने आवे कि यह किहदे नाल, क्योंकि जिहड़ी गल कॉन्सपीरेसी की है षड्यंत्र की है वह बड़े समय पहला रची गई सी, अज तां उहदा केवल तो केवल अज रिजल्ट सामने निकल के आ रहा। मेरे वीरो इस तरह जेड़े अज होर बड़ी अफसोस की गल है कि केजरीवाल साहब अज इत्थे आए, वेखो हुण मिली भुगत दो सरकारां दी किस तरीके नाल है, कैप्टन साहब ते इन्हां दी, एक शब्द भी कैप्टन साहब दे उल्ट नहीं बोल के गए। मैं भी जिमें गठजोड़ हूँ अगला लगता कांग्रेस से आप का ही करा, और सूत्रधार भी यह जे नटवर लाल ने कुंवर विजय प्रताप वर्गिया ने बनना, जोकर ने बनना, इन्हों कदे लोग माफ नहीं करे, क्योंकि बहुत लोगों दखा इस गल से टिकिया सन कि ही विल ब्रिंग द ट्रूथ। मगर जज साहब तो लैके और इस अफसर की एक बारी खिचाई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन उन्हें भी यदि खिचाई की, अपना एस आई टी के बाकी मैंबर ने भी की, कोर्ट ने भी करती, कोई कसर रही नहीं गई कि इसकी मिली भुगत अपने पोलिटिकल फायदे वास्ते मफाद वास्ते नहीं गेम खेडी जा रही सी। दूजी गल वेखो अज केजरीवाल साहब इत्थे आए, जिहड़ियां नौकरियां दा मैं पहला जिक्र करता ना उहदा कोई जिक्र ना, किसानी संघर्ष शहीद होए वाले किसानां दा कोई जिक्र ना, किसान जिस तरीके नाल दिल्ली दे बार्डरां ते बैठे ना उहदा कोई जिक्र, जो दिल्ली च अज केजरीवाल साहब मैं वेख्या बड़े शब्दां दा हेर फेर कर गए, कहिंदे जी एक जगह कहिंदे जी साडा चेहरा सिख चेहरा होगा अगला। इन्हां नूं ये तां पुछो कि तुहाडा पंज किन्नी दो सरकारां ते तीजी बन गई तुहाडी दिल्ली च, कुछ दिन पहला रे एक फेर बनी ते दूजी हाले तक एक सिख चेहरा तां तुसीं दिल्ली च नहीं लिया। लोगों मूर्ख बनाउण दा ही काम रख्या, साढ़े चार साल इत्थे वड़े नहीं, जबकि इन्हां दी पार्टी दे लोग इन्हां दी जिहड़ियां साडियां पंजाब दीआं धीआं पैणा सन अज तक उन्हां नूं इंसाफ नहीं दित्ता, जिहड़े जिसम फरोशी के इल्जाम लगते रहे हैं, जेड़े पैसे लैके टिकटों के इल्जाम लगते रहे हैं, जो NRI वीर इन ते इल्जाम लाते रहे हैं कि करोड़ा ही रुपया कट्ठा करके ये चलते बने, अज किसी एक चीज़ का भी इतने आके कोई जिक्र नहीं किया। और उस अफसर की आके जॉइनिंग करवानी, जिस अफसर ने पंजाबियों नूं देश भर से जिहड़े लोकतंत्र च विश्वास रखते हैं उन्होंने या गुरु नानक नाम लेवा संगत दे पेट च छुरा मारन का काम किया, धोखा देन का काम किया और कख नहीं किया। इसलिए मेरी तो जिमें पहला भी साड़ी पार्टी असी बैठे अंदर गल कर रहे सा कि इस तो सीरीयस मुद्दा कोई नहीं, और एडी अपनी ड्यूटी तो प्रति ईमानदार सोचता कि अपनी वर्दी का फायदा उठा के अपना पोलिटिकल करियर एनहांस करना इस तो वड्डा पाप कोई नहीं, इसलिए ये खिलाफ़ कार्रवाई होवे, परचा दर्ज होवे और इहदा कस्टोडियल इंटरोगेशन होवे, नारको टैसट होवे कि कौन कौन इस षड्यंत्र च सी, ते सच्चाई मैं समझदा फिर सामने आऊगी और आप दी ते कांग्रेस की रली मिली भुगत भी थोड़े सामने वेखण नूं मिलेगी। वेखो पहला तो यह जे नटवर लाल अर्गे कलयुगी जीव रब नूं इंसाफ नहीं दे सकते, सच्चा पातशाह तो सब नूं आप इंसाफ दिंदा, सच्चा पातशाह आप समर्थ ने, अज दो साल प्रोसीडिंग चलिया ने और ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है जो कुछ इन्होंने लिख के दिता है, जे यदि लत्तां च जाना जाके हाई कोर्ट के जज बारे टिप्पणी करे, हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज करे
नहीं तो जो हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा वही देखो वही फाइनल है। क्यों आप वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, देश से कानून है, कानून की है फाइनल अथॉरिटी लॉ कोर्ट कोर्ट्स ने और कोर्ट दी हाई कोर्ट ने इस फैसला सुनाया। हूँ सुप्रीम कोर्ट है कली जे उन्हें प्रॉब्लम है, मगर उन्होंने भी पता कि जो जज साहब ने लिखी और सच लिखी और जज साहब ने तो इतों तक लिखता कि इन्हें पॉलिटिक्स से जाना। क्यों लिखता ये गल, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि एडी टेंटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्नी धुंधली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एडी गलत इन्वेस्टिगेशन कर रहा कि ये कोई सही अफसर यह जहाँ काम ही नहीं कर सकता। उस गल ते मोर लगी। और दूजी गल वेखो आ मैं खबर दे रहा थोनू हूँ, मेरी 19 अप्रैल की स्टेटमेंट है, तुसी मजीठे आए सी, आ मैं वीडियो भी विखा दिना हूँ। मैनू किवें पता सी इन्हें जाना है? ए मजीठे दी मेरी 19 अप्रैल दी है। अज किन्नी एक मिनट जी, 19 अप्रैल अज किन्नी तरीक है, 21 जून, 2 महीने पहला मैं 19-21 नहीं होगी जमा ही जमा, मतलब मैं कोई अंतरजामी थोड़ी, मगर मेरे को भी सोर्सेज ने और एक गल की चर्चा मैनू आप कुछ मेरे सोर्सेज जेड़े केजरीवाल साहब के साथी ने, कुछ जेड़े पुलिस के साथी है और कुछ जेड़े कांग्रेस के साथी है, मेरे को सारी इंटेलीजेंस है। मेरे वर्गे नमाने नाचीज इंसान को आ गई तो थोड़े को खबर वध चाहिए सी। और मैं अज भी कह दिना इस एक बंदा नहीं शामिल, जिस दिन यदि जांच हो गई बड़े वड्डे वड्डे नौ डिगने सामने, जिन्होंने केवल तो केवल इस मुद्दे ते राजनीति करने की कोशिश की और कख नहीं की। और जोड़े इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज के मुद्दे ते पॉलिटिक्स करनगे, मैं सच्चे पातशाह तो डर के गल कहना कि वो दिन भी आऊगा कि इन्हां नू कोई इन्हां नू मूंह नहीं लाऊगा, इन्हां दा कख नहीं रहूगा, असलियत दी कहानी। जीठिया साहब कांग्रेस ने ते कह रहे हो भी मतलब तुहाडे सोर्सेज ने बड़े स्ट्रोंग सोर्सेज ने कांग्रेस ते भी चाप दे, तुसी कह रहे हो कि इहदा नार्को टेस्ट होना चाहिदा, केस चलना चाहिदा, अरेस्ट होनी चाहिदी, पर नाले इह करूगा कौन? नाले तुसी कह रहे हो भी कांग्रेस दे नाल मिली भुगत है, नाले तुसी डिमांड कर रहे हो रूलिंग पार्टी तो कि इहनू अरेस्ट होना चाहिदा, नार्को टेस्ट होना चाहिदा, फिर इह करूगा कौन? जे ओह सांठ गांठ हैगी है कांग्रेस दे नाल दी किसी की आप दी, केजरीवाल तो रूलिंग पार्टी है। तुसी कल मैनू दसो कि कोई मुख्यमंत्री इस बंदे नू इन्नी तवज्जो दू, तवज्जो इसलिए दिती है कि जे ना दिंदा फिर उन्हें दस देनी सी कि कुंवर विजय प्रताप ने कि मैनू बुला बुला मीटिंग करते सी ते हुण मैनू पुछदे नहीं, ओ ए पोल खोल ना कर दिंदा, ये तो आपकी जान बचाउण नू अज आए आ। क्योंकि कुंवर दे बारे भी कहा जांदा है ना, कुंवर दी वन टू वन मीटिंग हुंदी सी सीएम दे नाल, जिहदे करके कई कैबिनेट मिनिस्टर भी नाराज सी कि कुंवर डायरेक्ट सीएम। अज मैं थानू गल दसदा सीएम ओहदे नार्को टेस्ट या ओहदी अरेस्ट दे आर्डर दऊगा। मैं हो बेनती कर रहा दो गल्लां, दो सवाल ने, एक तां तुसीं रूलिंग पार्टी दा पुछ लिया, रूलिंग पार्टी च ही गया, ऑपोजिशन पार्टी च नहीं गया। और जे तो इनू हरपाल चीमा जॉइन कराउंदा जां अज वैसे तो केजरीवाल साहब आए भगवंत मान का भी छुट्टी कर गए है, कहिंदे सिख चेहरा दवांगे, मतलब ये जिहड़ा बैठा इनू चेहरा नहीं कहिंदे सिख, उन्हूं पता नहीं की कहिंदे, मंथन कर रहे, मतलब कि तू तो गया भाऊ उधरला बैठा तू भी गया, दोवां की छुट्टी भी कर गया। मगर देखो ये जिन्हें भी चलाक लूंबड़ियां ने ना छात्र बनते, इन्हों का चेहरा रब भी नंगा करता। रूलिंग पार्टी उन्हें ज्वाइन की है, दो रूलिंग पार्टीज ने कांग्रेस नाल मिल के खेडे, आफ्टरऑल इनू पाया की ने, इनू पाउण वाले दो तीन लोग ने, नवजोत सिद्धू, सुखी रंधावा,
तृप्त रजिंदर बाजवा एंड जाखड़ एंड कैप्टन, बाकी चलो छोटे मोटे होर होने भारे ने मगर छोटे मोटे एम एल ए होर ने, इन्होंने इस बंदे नू पुआया। बाकी चारे मैंबर ए डी जी पी प्रबोध कुमार जी थरो प्रोफेसनल, उन्हों का ट्रैक रिकॉर्ड चैक करा लियो, मतलब 100 times वह मतलब उस रिकॉर्ड से अज तक कोई किंतु परंतु नहीं होया। अरुण पाल या भुपिंदर या जेड़ा एस एस पी लाया, चार होर बंदे ने उन्हें चारा ने लिख के देता कि सानू इतने भरोसा नहीं, और जेड़े चार लिख के दे रहे दो जूनियर दो सीनियर, मगर फिर भी इतने रहे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स करनी सी। हुण इनक्वायरी कौन कर सकता है? नारको टेस्ट कौन कर सकता है? असी मंग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एदा टेस्ट करावे, क्योंकि ये हाई कोर्ट नाल फ्रॉड होया। जिस बंदे ने जाके जज साहब ने तो अंदर ये गल भी लिखी है कि मैं ये जा बेवकूफ बंदा नहीं वेख्या जेड़ा मैनू कह रहा कि जज मेरे तो बड़े प्रभावित रहिंदे आ, कहिंदा ये नहीं दस्या किहड़े रहिंदे आ, कहिंदा जज भी मेरे तो प्रभावित रहिंदे आ, मतलब कि उन्हें कहिंदा मैनू भी डराउण दी या ठगण की कोशिश की थी। ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब इन्नी स्ट्रिक्ट, अच्छा इन्नी सख्त टिप्पणियां तो शायद ही किसी अफसर के खिलाफ आईया हो। फिर संजय किशन कौल जी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चीफ जस्टिस रहे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने इन्हों एक केस से आ नटवर लाल नू कुंवर विजय प्रताप नू कला इस गल करके माफ़ किया, कहिंदा तेरी वर्दी करके मैं माफ़ कर रहा तेनू, नहीं तो जेड़ा काम गुनाह तू किया तेरे ते परचा दर्ज होना चाहिए सी ते अगे अंदर जाना चाहिए सी, मगर कहिंदा मैं वर्दी दी शर्म करदिया अज 5,000 रुपये तेनू जुर्माना ला के तेनू छड़ रहा, मतलब एडा टेंटेड अफसर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हाई कोर्ट हरेक ने जीते इन्नियां टिप्पणियां पास कीतियां, उन्हूं केजरीवाल ज्वाइन कराउण आवे ते दाल च कुछ काला नहीं सारी दाल काली। मजीठिया साहब 2017 दे विच सुखबीर जी भी कहते, तुसीं भी जिक्र करते हो कि षडयंत्र रचिया गया सी बरगाड़ी कोर्ट पूरा बदनाम करता अकाली दल नूं, हुण 2022 दे विच सेम उसे पोजीशन ते सारी पार्टियां कोर्ट पूरा बरगाड़ी नूं बहुत वड्डा करदियां पईआं ने ते अकाली दल नूं फिर एक बार दोबारा उसे पोजीशन ते 2017 डैमेज कंट्रोल किस तरह करेगी अकाली दल, डैमेज कंट्रोल किस तरह करोगी? देखो एक गल तो स्पष्ट होगी कि कांग्रेस पार्टी भी फेल हो गई है ते आप भी फेल हो गई है, मिली भुगत भी सामने आ गई कि मैं रल के खेड रहे हैं, क्योंकि MLA तो ये रिपोर्ट तो अफसर तो सारी गल तो। हुण दूजी गल, साढ़े चार साल च कीता कुछ नहीं, मैं छड्डो इन्हां दे अपने MLA जा दिल्ली दसदे आ वजीर दसदे आ, वह उन्हूं चोर कहिंदा उन्हूं चोर कहिंदा, दूजे एक दूजे नूं मारनते होए आ, ते कांग्रेस भी समझ गई है कि जे कम्मां दे आधार ते जावांगे ते वोट नहीं पैनी, आपने भी रल के खेडी आ, जे ऑपोजिशन की गल करनगे ते लोकां ने मानना नहीं, इसलिए मुद्दा ही पटका दिओ, किसानी कर्जा मुद्दा ना रहण दिओ, घर घर नौकरी मुद्दा ना रहण दिओ, बिजली मुद्दा ना रहण दिओ, बाकी SC स्कॉलरशिप मुद्दा ना रहण दिओ, मुलाजमां दे भत्ते मुद्दे ना रहण दिओ, इसलिए सारी गल इस ते केंद्रित करो। मगर लोगों का भी दिमाग है, लोग बड़े सियाने है, पब्लिक सब जानती है, लोग सब समझते हैं कौन इस ते सियासत करके केवल तो केवल लोगों दिया भावना नाल खेडना चाहता कौन नहीं खेडना चाहता, इसलिए लोग एक बारी जरूर इस झासे च आ गए, बार बार नहीं आना। सर दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हर वारी कि जो कोई पंजाबी दिल्ली जाता उत्थे जो कुछ वेख के आता चाहते पंजाब भी उदा का हो। बड़ी वधिया गल की, अज तुसी कल होर वेखी होनी दिल्ली मॉडल चो महला क्लीनिक अज कड़ता, अज हेल्थ की गल नहीं की ना, अज हेल्थ की अज कल्ली गल की स्कूल की ते बिजली की। वेखो ये बंदा भी जेड़ा आउंदा ना दिल्लियों, ये कड़ा सिदरा पदरा, ये महाज छात्र है, मगर छात्रपना पंजाबियां नाल नहीं चलना, हुण पंजाबियां ने तो धौण ते गोडा रख के गल्लां पुछनियां ने, जिहड़ियां साडियां धीआं पैणा दी इज्जतां नाल जिहड़े इहनां दे लोग दिल्लियों आउंदे सन जो कुछ करदे रहे आ जां पैसिआं दा लैण देण करदे रहे आ, मगर अज उहनूं पुछो हैल्थ दी गल क्यों नहीं कीती तूं, क्यों नहीं कीती,
दिल्ली की पॉपुलेशन है 1,80,00,000 1,90,00,000 के अंदर अंदर और जी रिकॉर्डिड डैथ है वो 25,000 के नेड़े तेड़े पंजाब 3 करोड़ आबादी और रिकॉर्डिड डैथ अराउंड 16,000 25,000 देश का कैपिटल होवे राजधानी होवे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ही होवे दो सरकारा दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा स्टेट गवर्नमेंट दा मगर इस तरीके दा कोलैप्स होया कि थोड़ी अपनी जर्नलिस्ट है बरखा दत्त उहदी वीडियो तो वेखी होनी वो किवें किवें रोंदी सी और की कहिंदी सी कि एक संस्कार वास्ते 3-3 लाख रुपए मंगे जांदे सी या किन्ने लोग दिल्लियों भज के आए एंबूलेंस लैके 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख एंबूलेंस नूं दित्ता कि आके साडा इलाज किसी होर सूबे च हो जाए पंजाब च हो जाए जां राजस्थान च हो जाए दिल्ली च नहीं रहना दिल्ली च जिस तरीके नाल बाडियां दे ढेर लगे या जिहड़े थोड़े रोहित सरदाना जी सन या होर छड्डो जरनैल सिंह तां इन्हां ने बादल साहब दे उल्ट MLA उतारिया सी उहदी वीडियो भुल गए उहदे भोग ते इक बंदे ने निकल के की किया आ जरनैल सिंह दी ट्वीट सी उहदे भोग ते इह गल कही कि जे मैं केजरीवाल तो पहला आउंदा तां मैं इहनूं जरनैल दे भोग ते बोलण ना दिंदा जो इत्थे दिल्ली दा हैल्थ दा हाल होया और जरनैल सिंह ने की गल कही आई नीड बैड ऑक्सीजन लैवल लो प्लीज़ हैल्प मी ए आप दा पंजाब दा CM फेस सी इसलिए अज हैल्थ की गल छड़ती और यही हाल इन्हों का एजुकेशन च है तो होर च थोनू पता है गुस्सा ना कर दिया हूँ तुम मेरे ते थोड़ा गुस्सा कर सकते हो पर खड़े हो ना मैं हाथ जोड़ना थोड़े 700 करोड़ है मीडिया का बजट और करोना काल से तो सबनों मार पै गई है सब ने बड़ा कुछ वेखना पैंदा ये कम ना हो कि आप कला यही वेखी जाइए आप मैं इन्हों का लॉकडाउन के फिगर कढ रहा सी कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी मशहूरी वास्ते इन्ने पैसे नहीं खर्च करती सूबा सरकार जिनी केजरीवाल करता और ऐड मैं थोनू दस दिया 2015 तो लैके चलो 2015 छोड़ो पिछले साल 2020 जनवरी तो 21 तक किन्ने पैसे खर्चे होने आपकी मशहूरी वास्ते उत्थे लोगों नू सत्कार ली था नहीं बैड नहीं लोग ऑक्सीजन नू तरसते सी लोग एंबूलेंसा नू तरसते सी इन्हां ने 177.18 करोड़ ये RTI चों कढ़ी आ इन्हां दे आपकी मशहूरी ते खर्च करते इसलिए भरावो इह जे लोगों का एक मीडिया दा पूरे पंजाब दे विच एक नवां ट्रेंड चलिया होर्डिंग लगे ने पंजाब दे विच टोटल आ जनवरी फरवरी मार्च आ 21 दे RTI अगेन किन्ने पैसे खर्च किए होने इत्थे तां रौला पिया ना पंजाब च कि कप्तान ने एडे एडे इश्तहार देते आ ठोकोताली पाउंदी सी कि उहदी घर दी पाउंदी सी कि इन्ने शायद लोगों की मदद दे देंदे उन्हां नूं पुछो आ जिहड़ा ठोकोताली तेरा यार दिल्ली वाला वो तो 90 करोड़ खर्च कर गया 3 महीनों से इन्हों लोग चेते आए उन्होंने RTI है मेरी लै जाओ कागज सारे सर तुम जिक्र किया कि सोर्सेज ने पहले लास्ट देख लो ये तो थोड़ी खबर है आ की कहती है जी कोविड डेथ पर मिलियन इन डेली 5 times हायर दैन नैशनल एवरेज एक खबर है अज भुल गए सारिया ये गल् करनिया अज केवल अज किसानी भी भुल गए अज नौजवानी भी भुल गए अज मुलाजम भी भुल गए और RTI मैं एक होर कढ़ाई कि हाँ इन्होंने आपकी केजरीवाल साहब मोहल्ला क्लीनिक का बड़ा रौला पाते चलो मिसिज केजरीवाल को सेहतमंदी परमात्मा बख्शे वह इलाज कितने होया मोहल्ला क्लीनिक होया कि मैदानता च होया इसलिए यह गल छो मगर मैं अगली गलते आ गया कि यह बंदा केवल तो केवल लोगों सिर्फ मूर्ख बना के इत्थे गल्लां करके चले जाते हाल दिल्ली पावर दे रेट्स सब तो एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल पावर कमर्शियल पावर हाउस होल्ड पावर दिल्ली च जाके और श्रोमणी अकाली दल का अपना जिहड़ा साडा वायदा दैट असी बिजली दे बिल बंबिया दे अज दे माफ नहीं किए पिछले 20 साल तो माफ रखे इस 97 तो और इस तरह अगला वायदा यह है दैट लोएस्ट पावर हाउस होल्ड का पावर 50% बिल नू स्लैश कर देंगे तो गरीबा नू
नो बिल ये श्रोमणी अकाली दल के कमिटमेंट सुखबीर जी ने कदों की दी और अज तक जो क्या उन्होंने पूरा करके मिला। जिक्र कर रहे हो नवजोत सिद्धू का बार बार उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटियाले वो गल यही बार बार अज भी कर रहे हैं, वो दोबारा रिपीट की है। तुम कह रहे हो आप तो कांग्रेस मिली है, वो कहें भी बादल परिवार तो कैप्टन परिवार मिलया होया इस करके स्टेट का बेड़ा गर्क होता। मौजा लगियां ठोको ताली दी पहला साढ़े नाल कढ़ते छोटा वीर नौ मास का रिश्ता तो कदे मेरिया चंभ दिया जुत्तियां मिला ला उन्होंने पूछी ठोको ताली नू तेरी घर की कितने वजीर सी 16 तक CPS उदों तो साढ़े नाल ही बहिंदी सी उदों अही चंगे उदों बाल साहब पापा जी तो के जेटली साहब पापा जी और जदों वेख्या कि 17 च हुण जे कप्तान नू पापा नहीं बुलाया तो कम नहीं बनना ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਬੁਲਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੇ 10 ਸੈਕਟਰ ਘਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ 375 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦੂ ਕੌਣ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਰਿਆ ਸੀ 90 ਮੈਂ ਹੁਣ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ मैं 17 की वीडियो विखाऊ थोनू ठोको ताली दी सर मैं जिथे ना एक पत्रकार ने सवाल पूछा थोड़े अर्ग्या ने कि अपनी तो मेरी तो वेखी होनी मेरी तो छोड़ो तुसी ओदी वेखो मेरे नौ ते तो एवें उहदा ब्लड प्रैशर कदे दिमाग दी नाड़ी पाड़ के मैनू जम्मिया एक मिनट लई गल सुन लिओ मेरे 17 की वीडियो विखाऊ इंडिया टूडे ने लगी हुई है किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि नवजोत कैप्टन साहब थोड़ी सिफत बड़ी करदा वह कहिंदा जी किनू आपकी सिफत सुनने का नहीं शौक तो ये तो ही सुन लिए ये हौली देनी वो कन च जाके कहिंदा सर मैं की कहना फादर इज अ फादर सन इज अ सन तुसी फादर मैं सन ठोको ताली पा हूँ लै पुछो किधर गया पापा तेरा नहीं मैं तो थोनू दो गल्लां कहियां देखो दो सरकारां रल के इन्वेस्टिगेशन नू टॉरपीडो कर रही ने कि अपनी लोगों की मंग की है सच्चाई सामने आवे यही मंग है ना ये तो नहीं मंग कि जो तेनू नहीं चंगा लगता उन्हूं टंग दे जां फलाने नू टंग दे इसलिए तो फेल हो रहा केस अज साडी इक्को मंग है कि सच्चाई सामने आवे सच्चाई जिन्होंने लियानी सी तो सियासत करन लग पे देखो मैं दस दें मैं डिमांड ऑलरेडी करती है कि जब सरकारां इनवॉल्व होन साडी पहली डिमांड है कि स्टेट गवर्नमेंट सामने आवे जे नहीं आउंदी रली मिली भुगत साबित फिर असी आपदे लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करांगे क्योंकि यह अज की डिवेलपमेंट है पार्टी च बह के वकील साहबाना नाल डिस्कस करके क्योंकि साढ़े कहे ते तो उन्हें करार नहीं लेना देखो एक मिनट सुन लियो हाँ दूजी गल मैं नहीं कहा जी है ओ यार बेनती दसो मैं तो ओदी गल का निचोड़ कटिया किसी पत्रकार ने पूछा या कि मैनू पता लग्या कहिंदे जी असी सिख फेस दवांगे मंथन कर रहे हैं तो मतलब कि केजरी अपना वो भगवंत मान उन्हू सिख फेस नहीं दिखता यदा ही मतलब है वह बेचारा 4.5 साल का जुत्ती की कसाई कर रहा पहला करती नहीं लगे फिर इधरले यार गल तो सुन लो जा तो तुम सवाल कर लो नहीं तो जवाब दे दो मैं चुप कर जाना मैं तो मेरी बेनती है सुने जी फिर ना लै दें कम मुक जाता मैं भगवंत मान को बधाई दे दिता कि तेरी बन गई गल मगर अज ओदा नौ ना लेना हरपाल चीमे का नौ नहीं लेना एक दलित नू भी और एक जेड़ा उन्होंने लिए इन्ना लंबे समय तो काम कर रहा सी उन्हूं भी सिख चेहरा रैकगनाइज करन तो आज केजरीवाल साहब ने ना करती है और उन्होंने रिजेक्ट करता मेरी बेनती सुने एक मिनट गगन एक सैकंड मेरी बेनती है कि जो वीर ने सवाल किया है ना भगवंत मान क्यों नहीं जे तो केजरीवाल साहब ये कहें कि असी जो पंजाब यूनिट है बड़ी वधिया साढ़े कोल लीडरशिप है इहदे विचों असीं सिख फेस देवांगे फिर तो ठीक है अंडरस्टूड सीगा करके गया हाँ बिल्कुल।
और आपकी एस सी लीडरशिप नू भी रिजेक्ट करके गया जेड़े उहदे नाल वफादारी नाल खड़े सी। और तीजी गल कि फिर कंट्रोल दिल्ली च रहना उही रौला सतारा वाला अज फिर उहते मोर ला के गया कि मैं दसूं इहनां दे कोई कोई डेमोक्रेटिक हक नहीं। आ सुन लियो आ मैं तैनूं दसदा ना ओ ए नहीं है मैनूं खबर आई कहोगे मैं पुछण लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू दा भविख की ओह तुहाडे सोर्सिस कुछ दस रहे उहदे बारे कांग्रेस च रहणगे जां कित्थे जाणगे धुंधला बेईमानी बिट्टू दे मन च पहली गल ए अपमान कल्ले दलित भरावां दा नहीं रवनीत बिट्टू ने किया अपमान उहने गुरु साहिबाना दा किया क्योंकि सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब की धरती तो सरबत दे भले जात पात नूं खत्म करन दा बहुत वड्डा होका खालसा पंथ नूं साज के दिता सी। और ओही धरती है जिथे बाबा जीवन सिंह जी नूं गल दा ला के रंगरेटे गुरु के बेटे ये बख्शिश भी कीती सी। ये गल कहनी कि आनंदपुर साहब की तो चमकौर साहब की पवित्र सीटा तुसी बसपा नूं दे दिओ इहदा मतलब की है। और उही बोलबानी मैनूं कहना नहीं चाहिए कि है मेरे सत्कारयोग मेरे तो वड्डे ने मेरे बजुर्ग ने मैं दोवें हाथ जोड़ के करना उही भाषा कांग्रेस की बी टीम वाली और साढ़े पहला किहड़ा सी जी डेमोक्रेटिक हुण डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई हुण संयुक्त हो गया गां चुंबक हो जाए भावें क्योंकि जोड़ के रखने पैने नहीं तो टुट भज हो जाती है। वह भी वह भाषा मैं हैरान हो गया कि दसो जिस गुरसिखी की फिलोसफी की है उहदे उल्टे बयान देने मगर चलो उन्हां दा जिवें जिन्हों जिवें राजी है वह कम चली जाए। अर्जुन ते ओ लभदे यार इहनूं लै के रौला पिया ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਾਗਰੂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ 34 ਕਰੋੜ ਡਿਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਚੌਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਭਵਿੱਖੇ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੂੰਗਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਛ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।